अंडरलेट कमेडी चल रही है और सिचुएशन के हिसाब से काफ़ी जगह आप देखेंगे कि क्योंकि जिसके साथ क्या क्या हो रहा है आपको इन दर्शकों को देखने में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि ये मेंटली फोर्स्ड कॉमेडी है, ये बहुत ही सिचुएशन के हिसाब से, जैसे कभी मैं एक जगह मराठी जा बना तो वहाँ पे जैसे पुलिस वाले मुझे देखते हैं, मतलब वो जिस किस्म की वो कॉमेडी बनी है तो वो देख के आएगी। अब जैसे मैं बताऊँगा आपको लगेगा कि ये तो अच्छा बोलेगा। सर क्या मैसेज जी इस फिल्म में काफ़ी कुछ है कि बेसिक जो मुद्दा ये है कि हर किसी के अंदर एक्टर का ही सफ़र चल रहा है तो बहुत अच्छा है। एंड मॉडलिंग में जब टेलीविजन शुरू हुआ था तो मैं मिस्टर इंडिया जीत कर इधर आया, फिल्म से इंटरनेशनल जीत आया जा रहा है। एंड ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि उनके साथ ही फिर थी डेंजरस इश्क थी, तो ये सब करके बहुत लकीली आपको ये फील होता है कि आप अच्छे आते हैं, आप एक अच्छे मेंटर के साथ आप काम कर रहे हैं। कई जगह कुछ सीखने को आपको ज़्यादा मिलता है जहाँ पर थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, जहाँ पर एक्सपीरियंस अच्छा होता है तो और भी ज़्यादा सीखने को मिलता है। अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ काम करते हैं, प्लस आप के अंदर का जो एक्टर होता है उसकी क्रिएटिव जो पीड़ा होता है वो बहुत पूरा होता है, खुश होता है उसको बहुत कुछ रिसीव करने को खुश था क्योंकि आई न्यू कि वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं। मैं तो जब स्क्रिप्ट सुनाई थी तो पता ही था कि उसी का रोल ये प्ले करेंगे, पर उसके बाद ऑब्वियसली जब मैं उनके सामने मतलब हम लोग सीन कर रहे थे तो पहले क्या होता है कि पंजाबी पंजाबी क्रैक कर तो ऑटोमेटिकली क्या होता है माहौल मतलब हाय मैं हूँ रजनीश दुग्गल और NMF न्यूज़ के सभी दर्शकों को रजनीश दुग्गल का रजनीश दुग्गल तो बोल ही दिया हाय मैं हूँ रजनीश दुग्गल और NMF न्यूज़ के सभी दर्शकों को हैप्पी होली। सर बात करिए आज के इवेंट की, क्या कहना चाहेंगे उड़नचू के बारे में? जी आज उड़नचू का फर्स्ट लुक है, मतलब फर्स्ट लुक रिलीज है, पोस्टर लॉन्च है और जैसा कि आपने देखा कि पोस्टर एक स्लाइट कॉमिक फील देता है तो ये पिक्चर